को मैं हूँ अंजल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं और मामा पोटैटो बॉल्स बनाने जा रही हैं। चले देखते हैं पोटैटो बॉल के इंग्रेडिएंट्स और ये भी कि वो कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रही हूँ पोटैटो बॉल्स। पोटैटो बॉल्स कई तरह से बनते हैं, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। अभी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसको आप पोटैटो बॉल्स के अलावा पोटैटो रिंग्स का नाम भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 kg पोटैटोस, जिनको बॉयल नहीं कर रही, स्टीम में इनको गला लेना है। ये देखें, आलू स्टीम में गल चुके हैं। अब इनको एक बाउल में निकाल दें और मैश कर लीजिए। आलू के अलावा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें नमक हस्ब ज़रूरत, चाट मसाला 1/2 teaspoon, सुरख मिर्ची पाउडर 1/4 teaspoon और ज़ीरा पाउडर 1/4 teaspoon, चावलों का आटा जितने आपके आलू हैं उससे कम क्वांटिटी में, 1/2 quantity में, और काली मिर्च अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, सोया सॉस 1 tablespoon और विनेगर 1 tablespoon। आलू बॉयल हो चुके हैं, अब हम आलू को मैश करेंगे और इनमें बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमक हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्ची पाउडर जस्ट 1/4 teaspoon, चाट मसाला 1/2 teaspoon, ज़ीरा पाउडर 1/4 teaspoon, चावलों का आटा, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर एक प्याली आलू बन रहे हैं तो 1/2 प्याली चावलों का आटा कर लीजिए। चावलों का आटा अब हम पहले 1/2 डालेंगे। हमें अपने इस मिक्सचर को हार्ड आटे की तरह गूंदना है, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए आलू, क्योंकि अगर आलू का मेज़ा सॉफ्ट हो तो वो बिना अंडे या बेसन के फ्राई नहीं हो सकेगा और हम इसमें ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए आलू के मेज़े को हार्ड रखना है। देखिए इस तरह, और अब इसमें हम डालेंगे 1 tablespoon सोया सॉस और 1 tablespoon विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको बॉल्स की शेप दे दी है। तो क्योंकि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए आप बच्चों के लिए रिंग की शेप भी दे सकते हैं, ये ट्रायंगल की शेप भी दे सकते हैं। बच्चे इन शेप्स को देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत मज़े से इंजॉय करके खाते हैं। मेरी बर्ड बनाया इसको आप किसी भी शेप में, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मज़े का है, किसी भी शेप में ये देखें, किसी भी शेप में ये आराम से ईजीली हो जाता है। तो इसका आप बच्चों के लिए बर्ड भी बना सकते हैं ऐसे का। मुझे बॉल्स बनाना आसान है, बाकी के मैं बनाऊं। ऑयल गरम हो चुका है, आराम से अंजल। ध्यान से बेटा, चींटे ना पड़ जाए आपके ऊपर। पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दोनों बच्चे बहुत मज़े से फ्राई कर रहे हैं और खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं।
आप भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको पोटैटो बॉल्स अब कैसे अंजल लगे। आपको टेस्ट करके बताएगी कि पोटैटो रोल्स और पोटैटो रिंग्स कैसे बने हैं। हाँ चलो ठीक है। कैसे बने हैं? वेरी टेस्टी सो यमी।